नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आज हम जीएस के टॉपिक पेपर बन के जो तीन कलाएं पूछी जाती हैं, पटना कलम, मौर्य कला और पाल कला। मधुबनी कला का भी नाम है पर सिलेबस में ऐसा जिक्र नहीं है। तो तीन कलाएं महत्वपूर्ण हैं और इन तीन को याद करने पर आपके पास एक क्वेश्चन की सियोरिटी हो जाती है। तो जब इतना कंफर्म हो कि केवल तीन पोर्शन तैयार करने से, तीन क्वेश्चन याद करने से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा पेपर में, तो यहाँ हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। पटना कलम, ये हमने पॉइंट दिए हैं, भूमिका, विकास, प्रकार, कलाकार, संग्रह, सुझाव। ये हेडिंग नहीं है, इन्हें आप हेडिंग में मत डालिएगा। पटना कलम में जो भी लिखना है पैराग्राफ बनाकर लिखिएगा। भूमिका का एक पैराग्राफ शुरू में, फिर विकास कैसे हुआ, फिर किस प्रकार की चित्र थे, कलाकार कौन से हैं, कहाँ संग्रह है, और सुझाव या कंक्लूजन जो होता है वही सुझाव युक्त होता है, उसी को हम उपसंहार भी कहते हैं। तो ये खाली हमने समझाने के आधार पर लिख दिया है। अब भूमिका में आप जान लीजिए कि पटना कलम का कैसे विकास हुआ, मतलब पटना कलम कैसे बनी। तो मुगल काल में कला की जो शुरुआत होती है वो हुमायूं के समय से होती है। आपने जीएस प्री के लिए भी ये पढ़ा होगा। तो हुमायूं के समय कला की शुरुआत होती है। अकबर के समय भी कला प्रचलित थी, ठीक ठाक स्थिति में थी, और अकबर के समय में दो प्रकार की चित्रकारी होती थी मूलतः। जैसे एक तो थी छवि चित्रण, और दूसरा था दरबारी चित्रण, यानी कि दरबार जो राजा बताता था उस तरह के चित्रण होते थे, दरबारी चित्रण। ये अकबर के समय में डेवलप था, अकबर के समय दो प्रकार से चित्रकारी थे। सीधा सीधा लिखा हुआ नोट्स में, किताब में भी आपको मिल जाएगा, बस मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी तरह पूछा जाएगा आप लिख लीजिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटना बहुत भार हो जाता है। तो हुमायूं के समय चित्रकला की शुरुआत होती है, अकबर के समय में भी ठीक ठाक स्थिति में थी, छवि चित्रण और दरबारी चित्रण हो रहे थे। लेकिन कला का चरमोत्कर्ष पहुंचा जहांगीर के काल में। इस बार भी पीटी में प्रश्न आया था चित्र कला से रिलेटेड, तो वो जहांगीर ही उसका आंसर था। चित्रशाला किसने बनवाई थी, इस तरह का कुछ प्रश्न था। जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, क्योंकि जहांगीर स्वयं भी बहुत अच्छा चित्रकार था और चित्रकला की इतनी बारीक परख थी उसे कि उसके लिए लिखा है इतिहासकारों ने कि वो कहता था कि एक चित्र को अगर कई चित्रकार मिलकर बना दें तो मैं पहचान जाऊंगा कि अमुक हिस्सा अमुक चित्रकार ने बनाया है और ये वाला हिस्सा इस चित्रकार ने बनाया है। मैं चित्र को देखकर बता सकता हूं कि इसका कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि चित्रकला के प्रति उसकी रुचि और उसका ज्ञान कितना बृहत था। यही कारण है कि उसके समय में चित्रकला को और चित्रकारों को आश्रय मिला, चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंची और लोग इसमें रुचि भी लेने लगे। जब राजा किसी चीज को प्रश्रय देता है तो अन्य लोग भी उससे जुड़ जाते हैं। जैसे योग का महत्व, हमारे पीएम ने योग को महत्वपूर्ण दिया, योग दिवस मनाया गया, तो योग से आम लोग भी जो पहले योग को उतना महत्व नहीं देते थे वो लोग भी उस तक पहुंच गए। कुछ लोग दिखावे में ही सही पर करते तो हैं। यही चीज थी। जहांगीर के बाद शाहजहां के काल में भी थोड़ा बहुत चलता रहा,
पर जब औरंगजेब का समय आया तो औरंगजेब ने इसे प्रश्रय देना बंद कर दिया। औरंगजेब का कहना था कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, चित्रकारिता करना इस्लाम के विरुद्ध है, इस्लाम में इसे गुनाह माना जाता है, ये अलाउ नहीं है। तो चित्रकारों को औरंगजेब ने प्रश्रय देना बंद कर दिया, तो चित्रकारों के सामने रोजी रोटी की समस्याएं प्रकट होने लगी। इससे क्या हुआ कि जो चित्रकार थे वो पलायन कर गए दिल्ली से और वो मुर्शिदाबाद पहुंचे, बंगाल। मुर्शिदाबाद में उस समय जो नवाब था वो मीर जाफर था। वहां पहुंचते हैं तो मीर जाफर क्या करता है, मीर जाफर के समय तक तो ठीक था, वहां भी इनको थोड़ा बहुत प्रश्रय मिलता है, इनका काम चलता है। लेकिन जब उसका बेटा मीरन बनता है तो वो क्या करता है, वो भी इन्हें प्रश्रय देना बंद कर देता है चित्रकारों को। तो ये वहां से भी पलायन करते हैं, और चूंकि बंगाल में मुर्शिदाबाद था वहां से पलायन करते हैं। तो ये लोग, और उस समय बिहार बंगाल एक ही हुआ करता था, तो ये लोग क्या करते हैं, पटना और पूर्णिया में आ जाते हैं। पटना में आने के कारण ही इसका एक नाम पटना कलम पड़ा, क्योंकि इसका फिर विकास, पुनः विकास जो हुआ, पुनः उत्थान जो हुआ वो पटना में हुआ। और इसका पटना में इसका विकास हुआ, और इसे जो पसंद किया गया, फिर जैसे जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो इसे पसंद करने लगे, जो मतलब इलिट क्लास था, जो पढ़ा लिखा क्लास था, या जो रिच धनाढ्य परिवार होते थे वो इन चित्रों को पसंद करने लगे और खरीदने लगे। तो विकास कैसे हुआ कि जो धनाढ्य परिवार थे वो इसे खरीदने लगे, यानी कि इस पे विदेशी छाप या अंग्रेजी छाप भी पढ़ने लगी, अंग्रेजी छाप पढ़ने लगी। और देसी छाप थी ही, चूंकि बिहार में थे, पटना में थे, तो देसी छाप भी थी। और इन पे मुगलों, चूंकि ये मुगल डायनेस्टी से आए थे, तो मुगल छाप तो थी ही पहले से। तो ये तीनों तरह की इसमें छाया दिखाई देती है, तीनों तरह की कला का दर्शन होता है पटना कलम में। अब इस, ये तो इसका विकास हुआ, भूमिका हुई। प्रकार कैसा है कि इसमें दो तरह के चित्र मूलतः देखने को मिलते हैं, एक तो लघु चित्र है, दूसरा कुछ कल्पनाओं के चित्र भी किए गए हैं। आपको मैंने पहले का ही हेडिंग डाल के प्रकार ये सब नहीं लिखना है, पैराग्राफ में आपको बताते जाना है। ये दो पैराग्राफ में जितना मैंने समझाया वो बता के फिर बताएंगे कि कैसे इनका जो विकास हुआ, इसमें किस तरह के चित्र मिलते हैं। तो इसमें चित्र मिलते हैं, कुछ लघु चित्र हैं, लघु चित्र, कल्पनाओं के चित्र हैं, कल्पनाओं के चित्र हैं, ये डायरेक्ट सीधे ब्रश का प्रयोग करते थे, सीधे ब्रश का प्रयोग करते थे, मतलब पेंसिल से चित्र नहीं बनाते थे, सीधे सीधे ब्रश का प्रयोग करते थे। और इनके जो चित्र होते थे उनमें जो फ्रेम होता है वो नहीं होता था, यानी कि पृष्ठभूमि नहीं होती थी, सीधे सीधे चित्र होता था। और इनमें कई तरह के चित्र आपको मिल जाएंगे, जैसे खेत जोतता किसान है, खेत जोतता किसान, मछली बेचती औरत, मछली बेचती औरत, इक्का गाड़ी, पक्षियों के चित्र बहुत शानदार हैं, इतनी बारीकी से पक्षियों के चित्र बनाए हैं कि इतिहासकार लिखते हैं कि ऐसा लगता है पटना कलम के चित्रकार पक्षियों के विज्ञान के ज्ञानी थे, यानी कि पक्षियों के वैज्ञानिक थे। एक एक रोम का चित्रण किया है पक्षियों का, चिड़ियों का इतना अद्वितीय चित्रण किया है कि देखने लायक है। रंग कौन कौन से प्रयोग है, यहाँ पे अलग से भी डाल सकते हैं, रंग मूलतः प्रयोग करते थे वो, जैसे गहरा भूरा, गहरा लाल, हल्के पीले, गहरे नीले,
गहरा भूरा, गहरा लाल, गहरा नीला और हल्का पीला। और ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। कुछ कल्प जैसे मैंने बताया कल्पनाओं के भी चित्र थे, कल्पनाओं के चित्र थे, जैसे शिवलाल द्वारा चित्रित था मुस्लिम निकाय, माधोलाल की बिरहणी नायिका का चित्रण किया था। तो इस तरह से कुछ चित्र कल्पनाओं के भी थे। ये तो लघु चित्रण में आ जाएंगे, कल्पनाओं के चित्र थे जैसे उदाहरण में आप दे दीजिएगा शिवलाल का मुस्लिम निकाह। महादेवलाल नायिका का अवसाद, विरह चित्रण। और भी थे जैसे माधोलाल की बिरहणी नायिका, यमुना प्रसाद की बेगमों की शराबखोरी का चित्रण, ये भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। यमुना प्रसाद बेगमों की शराबखोरी का चित्र, ये उदाहरण दे सकते हैं। एक पैराग्राफ में आप ये लिख देना। अगला है कलाकार कौन कौन से थे। तो कलाकार, ये भी कलाकार ही थे आपके, शिवलाल हैं, महादेव हैं, यमुना प्रसाद हैं और हैं जैसे सेवक राम हैं, उल्लास लाल हैं। तीन तो कलाकार के उदाहरण आप यही दे सकते हैं। और हैं सेवक राम उल्लास लाल। इन चित्रों के अलावा हिंदुओं के तीज त्योहारों के भी चित्र थे। हिंदू के तीज त्योहार के चित्र, तीज त्योहार के भी चित्र थे। संग्रह मेन है जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है, यहाँ पे इनका संग्रह मिलता है और विदेशों में भी कहीं कहीं कुछ लोगों के पास इसका संग्रह होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसे आश्रय नहीं मिला, इसलिए इसके साथ थोड़ी सी समस्या रही। कि यही आप सुझाव में देंगे कि मधुबनी पेंटिंग की तरह सरकार को पटना कलम के प्रति भी अपना प्रति भी लोगों को जागरूक करना चाहिए और इसको भी प्रश्रय देकर इसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, वरना धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगी। पटना कलम में इतनी बारीकी से इतने सुंदर चित्र बनाए गए हैं जिसे लोगों तक पहुंचना आवश्यक है, तो सरकार थोड़ी सी सहायता करे, जो कला प्रेमियों को पहुँचाए, इसकी प्रदर्शनी लगवाएं, ये सब करेगी तो इसको बढ़ावा मिल सकता है। तो पटना कलम पे आप इस तरह एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। पढ़ने को तो आप बुक से भी पढ़ लेंगे, मैंने तो बस आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ये कैसे कैसे बढ़ती है और कैसे कैसे इसका विकास हुआ, और आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है पर आपके सिलेबस में है, तो आशा है भविष्य में ये भी अपना उत्थान पकड़ेगी। आशा है आप लोगों को ये पटना कलम समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।